सिर्फ बुनकर ही नहीं बल्कि यूपी में शिक्षक अभ्यर्थियों की एक बड़ी समस्या है, जिसे लेकर लोग अब सड़कों पर उतरने लगे हैं और सरकार के कदम के विरोध में हैं। इन लोगों का कहना है कि मेरिट में ज्यादा होने के बावजूद इन्हें भर्तियों से वंचित क्यों कर दिया गया। उनहत्तर हजार शिक्षकों की भर्ती की फांस सरकार की गले से हटने को तैयार नहीं है। 31,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती कर अपनी पीठ थपथपाने में जुटी सरकार के लिए ये तस्वीरें किसी झटके से कम नहीं है। ठीक नहीं, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में सरकार की भर्ती नीति के खिलाफ सड़क पर इन शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के आरोप एक है, जिसमें सरकार पर आंख मूंद कर भर्ती करने का इल्जाम लगा है। इनके आरोपों की गंभीरता को समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इनका दावा है कि सरकार ने हाई मैरिट के अभ्यर्थियों को छोड़कर लो मैरिट के अभ्यर्थियों को न केवल नियुक्ति पत्र थमा दिए हैं, बल्कि उन्हें स्कूल भी आवंटित किए जा रहे हैं। इन अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है फिलहाल उसे रद्द किया जाए और हाई मैरिट वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। लखनऊ में बेसिक शिक्षा निदेशालय पर छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए पर्याप्त इंतजाम किए गए। तख्तियां थामे इन छात्रों को लगता है कि सरकार कोर्ट में भी अपनी गलती मान चुकी है, ऐसे में उसे अपने कदम वापस लेने होंगे। सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि प्रदेश के दूसरे शहरों जिनमें रायबरेली, अम्बेडकर नगर और फतेहपुर जैसे शहर भी शामिल है, यहाँ भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। रायबरेली में तो बाकायदा जुलूस निकाल कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और डीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। जी बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि 31,277 जो पदों की भर्ती हुई है उसमें हाई मेरिट को नहीं लिया गया, जबकि लो मेरिट को लिया गया। आप कह रहे हैं कि 31,000 पद तक ही लिया गया, तो फिर आप 61,000, 56,000 ये मेरिट लिस्ट के जनरल कैंडिडेट उसमें सेलेक्ट हो रहे हैं, जबकि हम एससी के होते हुए भी हमें बाहर कर दिया गया 71.93% होते हुए। गड़बड़ी हो कैसे गई आखिर? आई डोंट नो, वो तो टेक्निकल बताया जा रहा है। मेरा पीलीभीत में चयन हुआ था और अरे आप लोग को क्या बता रहे हैं, जब वे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलती हुई है तो फिर से सुधारें। अम्बेडकर नगर में भी प्रदर्शन करने वाली अभ्यर्थियों का कहना था कि मेरिट ज्यादा होने के बावजूद भी चयन न होना अन्याय, लिहाजा सरकार उनके साथ न्याय करे। मेरा नाम श्वेता साहनी है, मेरा गुणांक 72.39% है, लेकिन फिर भी मेरे से नीचे गुणांक वाले 64, 65, 63 और 69 के इधर वाले नहीं हुए हैं। हाई गुणांक होने के बाद भी मैं इस भर्ती से बाहर हूँ, इसका सरकार को सोचना चाहिए कि आप जो है लड़कियों के साथ कुछ ज़्यादा ही अन्याय किए हैं, क्योंकि जो हाई मेरिट वाली लड़कियाँ हैं वो टोटली बाहर है, चाहे वो जनरल एस सी एस टी कुछ भी हो। वहीं फतेहपुर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों का कहना है कि भले ही सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 31,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां कर ली, लेकिन बचे हुए पदों के लिए वो फिर से कोर्ट में पैरवी कर उन पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराए। सरकार से हमारा अनुरोध है कि हमारा ऑर्डर जल्दी रिलीज करवाए और 69,000 भर्ती पूरी करवाए, और हम लोगों को जो मानसिक प्रताड़ना सह रहे हैं, रोज घुट घुट के मर रहे हैं, मतलब एक एक दिन गुजर रहा है, आज क्या होगा, कल क्या होगा, कल आर्डर आने वाला, बस ऐसे बीतते बीतते आज 3 महीना हो गया, 4th महीना लग गया, तो इसको जल्दी से भर्ती पूरी करवाएं, बस यही रिक्वेस्ट है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में रिवायत है, कोई भी भर्ती बिना विवादों के पूरी नहीं हो सकती, लिहाजा एक बार फिर जब सरकार इस बात से गदगद है कि लाखों बेरोजगारों में से मुट्ठी भर युवाओं को रोजगार देने में कामयाब रही, तो उसकी कामयाबी की कलई ये अभ्यर्थी खोलने सड़क पर उतर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी कंपनी।